तो आज हम लोग गए थे ऑक्सीजन प्लांट हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग में। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का यूज़ होता है। ऑक्सीजन का यूज़ होता है कंबक्शन के लिए ब्लास्ट फर्नेस में, नाइट्रोजन का कूलिंग के लिए यूज़ होता है, और आर्गन के लिए भी कुछ यूज़ होता है। ठीक है, तो इस प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट बोला जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक कंप्रेसर के थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं और फिर उसको रिवर्स कार्नोट साइकिल को यूज़ करके उसको डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कूलिंग टावर में, मीन्स एक टावर में, और फिर वहाँ से जितना भी इनका टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का 183 डिग्री, -183 डिग्री सेल्सियस पे अलग हो जाता है, आर्गन -186 डिग्री पे अलग हो जाता है, और नाइट्रोजन -196 डिग्री पे अलग हो जाता है। तो ये सब जो आप बर्फ़ देख रहे हैं जमे हुए, ये सब बर्फ़ क्या है, इसके पाइप्स के अंदर से गैसेस फ्लो हो रही हैं, इसके कारण जो बाहर से जो उसका कंडेंस रेडिएशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, इसके कारण वहाँ पास वो जम जा रहे हैं बाहर के जो एटमॉस्फेरिक हैं उससे रिएक्ट करके, लेकिन अंदर में वो गैस बह ही रहा है। ये जो सामने व्हाइट कलर की जो बड़ी सी बिल्डिंग है, यही वाली बिल्डिंग है जिसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। और ये जो चार टैंक है इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन को स्टोर किया जाता है गैस के फॉर्म में, और जो सामने तरफ दो चार था उसमें ये लोग लिक्विड के फॉर्म में करते हैं। तो ये ऑक्सीजन प्लांट का मेन यही है, ये है मेन एयर कंप्रेसर। ये जो देख रहे हैं यही सबसे बड़ा मेन कंप्रेसर है यहाँ का, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक से एयर को लिया जाता है और फिर उसको अंदर में बहुत सारे प्रोसेस हैं, बेड, एसीयू बेड, कंप्रेसर, कूलिंग टावर्स, टर्बाइंस वगैरह के बहुत सारे लॉ यूज़ करके, जे थॉमसन एक अंदर में कुछ था टावर टाइप का, बहुत सारे प्रोसेस को यूज़ करने के बाद ये लोग रिएक्ट करते हैं। तो ये जो सामने देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये इसका एयर फिल्टर है, यहीं से ये एयर सक करता है और फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस करता है। और ये जो है ये है एक बूस्टर पंप, बूस्टर कंप्रेसर। इसका काम ये है वैक्यूम क्रिएट करना, जब गैसेस को जब लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो उस टाइम इसको एकदम कंप्रेस करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है, उस टाइम इसका यूज़ होता है। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा हुआ है। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ रहता है जो वैक्यूम क्रिएट करने के काम आता है, जब गैसेस को हाई प्रेशर में जब स्टोर करना पड़ता है तो उस टाइम ये रेसिप्रोकेटिंग पंप काम आता है। ये चिलर यूनिट है, ये जो गैसेस को ठंडे करने के काम में आते हैं। कंप्रेस होने के बाद ये पाइप के थ्रू ये टीपीयू में आते हैं। टीपीयू का बेड बोला जाता है, बेड 1 एंड बेड 2। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं सेडिमेंट टाइप के, जब इसके अंदर से पास किया जाता है इन गैसेस को तो जो हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो रिएक्ट होके यहीं रह जाते हैं, लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन्स रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो रह गए तो एक्सप्लोजिव बन जाएंगे, तो उनको यहीं पास रिमूव कर लिया जाता है और यहाँ से गैसेस के थ्रू उनको आगे भेज दिया जाता है। और फिर ये जो सामने चार देख रहे हैं ये गैस को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो सामने में जो लेफ्ट साइड में जो है चार ब्लू कलर का, ये जो है गैसेस को स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन को। और जो ये वाइट वाली बड़ी वाली जो टावर है इसके अंदर क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है,
ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री, आर्गन का 1-186 डिग्री, नाइट्रोजन का 196 डिग्री, सभी पे ये लोग अलग हो जाते हैं और आगे अपने अपने कंटेनर में चले जाते हैं। तो यही इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काम है यहाँ पास। इस पूरे प्रोसेस को क्रायोजेनिक प्रोसेस, क्रायोजेनिक प्रोसेस बोला जाता है। और जो टावर है इसके अंदर सिलेंडर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। जैसे कि -183 डिग्री जाता है तो ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, -186 जाता है तो आर्गन सेपरेट हो जाता है, और -196 डिग्री जाता है तो नाइट्रोजन सेपरेट हो जाता है। तो सबके अपने अपने बॉइलिंग टेम्परेचर्स हैं। और जो ऑक्सीजन है ज़्यादातर ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होते हैं, जब वो अंदर उसको कंबक्शन के लिए ज़रूरत होता है, कोक वगैरह डालते हैं तो वहाँ पास ऑक्सीजन डाला जाता है ताकि उसका कंबक्शन अच्छे से हो। और जो सामने में आप देख रहे हैं इस टाइप के जिसमें फिन्स लगे हुए हैं, ये हीट एक्सचेंजर हैं। तो ये था विजिट ऑक्सीजन प्लांट का, जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे फॉर्म्ड होती है। एक एटमॉस्फेरिक गैस को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन में।